योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योऽपाकरोत तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योग से चित्त का व्याकरण से वाणी का व वा वैदिक से शरीर का मल जिन्होंने दूर किया है उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलि बद्ध होकर नमस्कार करता हूं तो बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का जिज्ञासु मित्रों इस कार्यक्रम में लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में तो दिव्य सृजन के इस मंच पर इस लाइव चर्चा के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है और यह कार्यक्रम प्रत्येक दिवस की भांति नौ बजे शुरू हो रहा है आप सभी से आग्रह है कि इसका पूरा लाभ उठाएं और जुड़ जाएं इस कार्यक्रम से तो चलिए आज का जो विषय है वह योग शास्त्र योग सूत्र के पंच वृत्तियों पर है पंच वृत्तियों के रहस्य पर है अब महर्षि पतंजलि इन पंच वृत्तियों के विषय में क्या बताते हैं और कैसे बताते हैं हम वो समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो इस विषय को स्पष्ट करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश हम भी इस विषय को करेंगे कि तो किस प्रकार से बातों को रखने का प्रयास किया गया है तो पंचवृत्तियां क्या होती हैं पंचवृत्तियों का रहस्य क्या है तो पंचवृत्तियां पांच प्रकार की वृत्तियां है। पंच हैं पंचवृत्तियां क्या हैं पांच प्रकार की वृत्तियां हैं अब ये पांच प्रकार की वृत्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं कहाँ से आती हैं तो शुरू से हम चर्चा देखें तो प्रथम सूत्र कहता है अथ योग अनुशासनम अनुशासन करना पड़ेगा योग के लिए दूसरा योगस चित्त वृत्ति निरोधक चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है और चित्त वृत्तियों के निरोध करने पर स्वरूप का साक्षात्कार होगा तद दृष्टि स्वरूप अवस्था नाम स्वरूप का साक्षात्कार या स्वरूप का दर्शन नहीं ध्यान रखिएगा स्वरूप की अवस्था प्राप्त होगी मतलब आप उस स्वयं अवस्था में होंगे जब आप कहते हैं कि हमें स्वरूप का दर्शन हुआ इसका मतलब यह है कि आप अलग हैं और स्वरूप अलग है ये दो इन दोनों में थोड़ा सा भेद है दूरी दूरी नजर आती है पहले भी किसी ने कहा था कि दर्शन होता है स्वरूप का जी नहीं स्वरूप की अवस्था प्राप्त होती आप खुद उस अवस्था में होते हैं ठीक है आपको उस अवस्था का अनुभव होता है ना कि कोई चीज ऐसे दिखाई देती है तो तद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम और उसके बाद वृत्ति सारूप्यम इतरत्र यदि स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो रहा स्वरूप की अवस्था नहीं प्राप्त हो रही है वृत्ति निरोध नहीं हो रहा है चित्त वृत्ति का निरोध भी नहीं हो रहा है स्वरूप की अवस्था भी प्राप्त नहीं हो रही है तो फिर अवस्था या स्वरूप कैसा होगा तो फिर स्वरूप वृत्तियों के समान होगा फिर स्वरूप वृत्तियों के समान ही होगा जैसी वृत्तियां होंगी वैसा स्वरूप हो जाएगा जैसी वृत्तियां होंगी वैसा ही स्वरूप हो जाएगा अब यह वृत्तियां कितने प्रकार की हो सकती हैं प्रश्न है कि यह वृत्तियां कितने प्रकार की हो सकती हैं और जितने प्रकार की वृत्तियां हो सकती हैं उतने प्रकार का स्वरूप हो सकता है वास्तव में वो स्वरूप नहीं है वो मैनिपुलेटेड चीज है वो मिथ्या ही है लेकिन जैसे कि सब जैसे कि तालाब के अंदर तालाब के पानी की सतह पर लहरें उत्पन्न हो रही हैं वो लहरें वास्तविक नहीं है वो लहरें उस तालाब का मूल स्वरूप नहीं है लेकिन बाहर से व्यवधान उत्पन्न होने के कारण उसमें लोग पत्थर फेंक रहे हैं तालाब में तो पत्थर गिरने से पानी में वेव्स क्रिएट हो जा रही हैं लहरें बन जा रही हैं ठीक है तो वो लहरें उसका मूल स्वरूप नहीं है वो तो इन्फेक्टेड है वो तो मैनुपुलेटेड है ठीक वो तो पत्थर मारने से प्रकट हुआ है वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं ही ये वृत्तियां वास्तविक स्वरूप नहीं है लेकिन जब वृत्तियों का प्रवाह बना रहेगा तो मूल स्वरूप को देख पाना संभव नहीं हो पाएगा जैसे कि यदि पानी में तरंगे उत्पन्न हो रही होंगी तो फिर उस तालाब के बेसिन को देखना या उसके तल को देखना संभव नहीं हो पाएगा अगर तालाब के तल को देखना है तो उसमें ये जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं जो वेव्स क्रिएट हो रही हैं उन वेव्स को रोकना पड़ेगा उन वेव्स को रुकना होगा तब जाकर तालाब में आप तल को देख पाओगे नहीं तो तल कभी नहीं देख पाओगे ये समझना होगा तल कभी नहीं देख पाओगे फिर तो वृत्तियां ही स्वरूप की तरह भासनी शुरू हो जाती हैं यद्यपि वृत्तियां स्वरूप है नहीं लेकिन वृत्तियां ही स्वरूप की तरह दिखाई देती हैं वृत्तियां ही स्वरूप की तरह प्रतिभाषित होती हैं ऐसी अवस्था बननी शुरू हो जाती है जब चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होता तो जीवन वृत्तियों के वशीभूत हो जाता है वृत्तियां ही पहचान बन जाती हैं वृत्तियां स्वरूप बन जाती हैं ये स्थिति बननी शुरू हो जाती है तो अब क्या करें अब यह वृत्तियां कितने प्रकार की हैं जो हमारी अलग अलग स्वरूप हमें दे सकती हैं वो वृत्तियां कितने प्रकार की हैं जो हमें अलग अलग स्वरूप दे सकती हैं तो महर्षि पतंजलि फिर यहां पर इसी तथ्य की व्याख्या आगे बढ़ाते हुए कहते हैं वृतय पंचत्य अक्लिष्टा वृत्त पंचत्य क्लिष्टा अक्लिष्टा अर्थात वृत्तियां पांच प्रकार की हैं और उन प्रतीक के क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो दो भेद भी हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या वृत्तियां या कुछ वृत्तियां हमारे लिए दुखदाई हो सकती हैं और कुछ वृत्तियां हमें क्षणिक सुख का अनुभव भी तो करा सकती हैं कुछ वृत्तियां हमारे लिए दुखदाई हो सकती हैं और कुछ वृत्तियां हमें सुख का अनुभव भी करा सकती हैं तो यह क्लिष्टा और अक्लिष्टा अर्थात दुख मह... का अनुभव कराने वाली और सुख का अनुभव कराने वाली यह दो प्रकार की वृत्तियां हो सकती हैं लेकिन यह पांच प्रकार की वृत्तियां इनके दो भेद हैं पांचों में अब जैसे पांच प्रकार की वृत्तियां हैं तो प्रत्येक वृत्ति का दो भेद है क्लिष्टा अक्लिष्टा अर्थात दुख का अनुभव कराने वाली और सुख का अनुभव कराने वाली तो हमारे जीवन में कई प्रकार की वृत्तियां आती हैं जो दुख का अनुभव भी कराती हैं और सुख का अनुभव भी करवाती हैं तो वृत्तियां उनका उनकी दो भेद हो सकते हैं क्लिष्टा अक्लिष्टा लेकिन वृत्तियां कितने प्रकार की हैं तो पंच प्रकार पंचत्य वृत्त पांच प्रकार की वृत्तियां बताई जा रही हैं ठीक है वृत्तिय पंचत्य क्लिष्टा अक्लिष्टा अब ये पांच प्रकार की वृत्तियां कौन कौन सी है? तो हैं तो महर्षि पतंजलि लिखते हैं प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृत्य प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृतिय यहाँ पंच वृत्तियां बताई गई हैं प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृत्य अर्थात कि प्रमाण पहली वृत्ति है प्रमाण दूसरी वृत्ति है विप्रय तीसरी है विकल्प चौथी है निद्रा और पांचवी है स्मृतिय अर्थात पांचवी है स्मृति तो पहली वृत्ति है प्रमाण दूसरी वृत्ति है विकल्प तीसरी वृत्ति है विप्रिय दूसरी विप्रिय तीसरी विकल्प चौथी निद्रा और पांचवी स्मृति पांचवी वृत्ति का नाम स्मृति लिखा गया है अब ये क्या चीजें हैं यह वृत्तियां कैसी हैं प्रमाण वृत्ति इस वृत्ति के कारण वह प्रमाणों के आधार पर किसी वस्तु के सत्य स्वरूप के जानने की चेष्टा करता है अर्थात जो इंद्रिय जनित अनुभूतियां हैं और उनसे जो वृत्ति समूह पैदा हो रहा है वह प्रमाण वृत्ति है प्रमाण वृत्ति है उसे प्रमाण वृत्ति कहा गया है इंद्रियों के कारण अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा प्रमाण के लिए महर्षि पतंजलि लिखते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आग ये प्रत्यक्ष अनुमान आगमहा प्रमाणानी ये प्रमाण तीन प्रकार के हैं प्रत्यक्ष अनुमान और आगम अर्थात बाह्य जगत में जो प्रमाण स्वरूप हमें प्राप्त होता है इंद्रिय जगत में तो पहला तो प्रत्यक्ष जो सेंस एक्सपीरियंस है जो सेंस एक्सपीरियंस है कोई चीज आपको खाते हो खट्टी लगती है तीखी लगती है ठीक है कोई कुछ देखते हो आप तो वो सुंदर दिखता है या कुरूप दिखता है या विकरीत दिखता है जैसा भी दिखाई दे यह आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति में इंद्रिय अनुभूति में आएगी दूसरा प्रमाण है अनुमान का प्रमाण है अनुमान अर्थात आपने धुआं देखा और अग्नि का अनुमान कर लिया कि भाई धुआं उठ रही है तो अग्नि जरूर होगी अब सूक्ष्म रूप में हो अग्नि या स्थूल रूप में साक्षात प्रकट रूप में अग्नि भी हो सकती है लेकिन अगर धुआं का धुआं निर्मित हो रहा है यदि धुआं निर्मित हो रहा है तो निश्चय ही अग्नि है तो अग्नि का अनुमान होता है धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान होता है आकाश से गिरते हुए पानी को देखकर वर्षा का अनुमान और बादल का भी अनुमान हो जाता है कि भाई बारिश हो रही है इसका मतलब बादल घेरे होंगे आसमान में ठीक है तो उसका अनुमान हमें हो जाता है तो अनुमान से वृत्तियां तो यह सारी अनुमान और आगम जो शास्त्र वाक्य है जो सिद्धों के वाक्य है सिद्ध महापुरुषों के वाक्य है जो शास्त्र वाक्य है उन्हें आगम हम कहेंगे टेस्टिमनी ठीक उन्हें हम आगम कहेंगे आगम प्रमाण के रूप में हम उन्हें स्वीकार करेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण इन तीन प्रमाणों को महर्षि पतंजलि यहां पर प्रमाण वृत्ति में बता रहे हैं तो इनसे जो वृत्ति समूह उत्पन्न होगा आपने कोई दृश्य देखा और उस दृश्य के वशीभूत जो वृत्ति समूह उत्पन्न हुआ है वह संपूर्ण वृत्ति समूह प्रमाण वृत्त प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत कहा जाएगा प्रमाण वृत्ति की तो प्रमाण वृत्ति में जो आपने सेंस एक्सपीरियंस किया आंखों से देखा त्वचा से कानों से सुना जीवा से स्वाद लिया ये अलग बात है कि जो बाहरी इंद्रियां हैं बीमारी से कोई आपको बीमारी लग जाए को, कोरोना वगैरह जिनको हो जाया करता था उनका टेस्ट चेंज हो जाया करता था तो ये इंद्रियां कोई परफेक्ट नहीं है लेकिन इनको ही प्रत्यक्ष माना गया है इनको ही प्रमाण माना गया है तो पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति प्रमाण वृत्ति किसके वशीभूत है प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के वशीभूत है प्रत्यक्ष मतलब जो इंद्रियों से दिखाई देता है अनुमान मतलब जो इंद्रियों से दिखने वाले वस्तुओं के आधार पर अनुमानित होता है अनुमान के लिए भी प्रमाण का होना जरूरी है हम धुआं कोई ना कोई हमारे सामने प्रमाण के रूप में धुआं है प्रत्यक्ष होना जरूरी है अनुमान करना अनुमान किसपे निर्भर है प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर है अरे भाई धुआं दिखेगा तभी तो अग्नि का अनुमान होगा और जो दिखेगा ही नहीं उसके आधार पर किसी दूसरी वस्तु का अनुमान नहीं किया जा सकता है तो अनुमान एक प्रमाण है आज कोई म, कोई महानुभाव मुझसे बातें कर रहे थे चैट पर उन्होंने लिखा उन्होंने लिखा कि मैं आपको अपना आदर्श मानता हूं आदर्श मानता हूं लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए उनको प्रश्न का उत्तर मैंने देना शुरू किया वो कमेंट कर रहे कि आप बिना सोचे बिचारे अनुमान से ही ऐसे ही लिखे जा रहे हैं तो मैंने कहा कि भाई तुमको किसने कहा था आदर्श मान लो व्यर्थ में मित्रों में एक बात मैं थोड़ी सी बात यहां पर चलते चलते बोलना चाहूंगा कि आप मुझे आदर्श मानते हैं आप मुझे गुरु मानते हैं मुझे इस विषय से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे जो कार्य करना है और जो मैं कार्य कर रहा हूं वो मैं करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी भाषा का प्रयोग उनको लगता है कि वो बहुत चढ़ाक है शायद वो बहुत स्मार्ट है लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर मैं बोल रहा हूं तो लगभग पिछले 20 वर्षों में अनेकों गुरुओं अनेकों बाबाओं से मिल चुका हूं तो ये सब वाणियां मुझे प्रभावित नहीं करती हैं कि आप मुझे आदर्श मानते हो या आप मुझे गुरुजी गुरुजी कह लोगे कुछ लोग मुझे फोन भी करते हैं और खूब गुरु जी गुरु जी कहते हैं यहां पर भी गुरु जी गुरु जी खूब कहते हैं तो आपके इस गुरु जी गुरु जी बहुत कहने से ऐसे देखो ऐसा भी है कि बहुत लोग सद्भावना से कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है बहुत लोग मुझे यहाँ पर गुरु जी सद्भावना से भी कहते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दुर्भावना से भी कहते हैं और मैं उनको पकड़ना जानता हूं ठीक है तो बहुत बाबाओं से मिला हूं बहुत गुरुओं से मिला हूं पिछले सत्रह अठारह वर्षों में लगभग बीस वर्षों में मान लो तो बहुत मेरी कोई बहुत तीव्र इच्छा या कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि लोग मुझे गुरु जी गुरु जी कहें और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे नाम लेकर पुकारते हैं मनीष जी बोलते हैं और वो भी इतने सम्मान से बोलते हैं कि लगता है कि हाँ भाई उसमें भी नाम लेने का उनका एक तरीका बड़ा वो होता है तो व्यर्थ का यहां भक्ति प्रदर्शन ना ही करो तो अच्छा है तो महानुभाव ने लिखा कि आप मेरे आदर्श हैं लेकिन ये आप अनुमानित तो बात करते हैं अब बेचारे ने शास्त्र अध्ययन तो किया नहीं है और प्रमाण व्यवस्था को तो समझा नहीं है कि अनुमान वास्तव में अनुमान किसको कहते हैं अनुमान कोई कल्पना नहीं है मैंने तो पहले उनका उनको कहा कि भाई जो उन्होंने कहा कि आप बिना सोचे समझे मुझे उत्तर दे रहे हैं तो मैंने कहा कि आप ऐसे व्यक्ति को क्यों आदर्श बना लेते हो जो बिना सोचे समझे ही उत्तर दे रहा है ठीक है तो पहले यह ढोंग करना ही बंद कर देना चाहिए तो ढोंग ही बनकर मत आइए ठीक है ढोंग प्रगट होगा तो फिर आपके मुंह पर बोला जाएगा कि आप ढोंग कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति बन सकती है तो आपको ही बुरा लगेगा फिर तो इसीलिए अनुमान क्या विषय होता है अनुमान का विषय आया तो उन महानुभाव ने कहा था कि आप अनुमानित कर रहे हैं सिंह। अरे अनुमान के बारे में जानते क्या हो व्हाट इज इंफरेंस पूरा साइंस इंफरेंस पे डिपेंड करता है मेरे भाई पूरा विज्ञान अनुमान पर डिपेंड करता है पूरी रिलेटिविटी की थ्योरी अनुमानित है ठीक है न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बोला यह भी अनुमानित विषय है अनुमान लगाया कि गुरुत्वाकर्षण है अभी तो आइंस्टाइन ने क्रिटिसाइज किया ग्रेविटेशन को न्यूटन के ग्रेविटेशनल थ्योरी को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्रिटिसाइज कर दिया उसने कहा कि नहीं स्पेस टाइम करवेचर है कोई अट्रैक्शन नहीं है अर्थ के अंदर अभी स्पेस टाइम करवेचर वाली बात समझना थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ोगे थोड़ा सा दिमाग के उस लेवल पे जाना पड़ता है और लगाना पड़ता है तो समझ में आता है स्पेस टाइम करवेचर किसको कहेंगे ठीक है तो ये सारी विषय पूरा विज्ञान अनुमान लगाकर चलता है इन्फ्लुएंस पे चलता है बहुत बड़ी बड़ी साइंटिफिक डेवलपमेंट और साइंटिफिक डिस्कवरी इन्फ्लूस से होती है कि भाई ऐसा हमको देखने को मिल रहा है इसका मतलब ऐसा होता है पूरी चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है इन्फ्लुएंस है अनुमान है ठीक <coughs> <coughs> है तो अनुमान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है अनुमान निर्भर करता है प्रत्यक्ष के ऊपर धुआं हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है तो अग्नि का अनुमान होगा अग्नि का अनुमान होगा ठीक है तो इसीलिए अनुमान भी प्रमाण है तो जो चीजें अनुमानित हो रही हैं उनकी वृत्तियों का चलना इंद्रियों से देखना समझना उनकी वृत्तियों का चलना अनुमान से वृत्तियों का चलना और फिर शब्द प्रमाण से शब्द प्रमाण क्या है जो शास्त्र कहते हैं आगम आगम मतलब शास्त्र वाक्य जो सूत्र कहते हैं शास्त्र कहते हैं वो आगम है स्वयं महर्षि पतंजलि का योग सूत्र आगम है जितना प्रमाण है वो टेस्टिमनी है उनके महाशुद्ध वाक्य है तो वो हमारे लिए हमारे लिए प्रमाण स्वरूप है फिर प्रूफ के रूप में हो जाएगा फिर वो ठीक है तो हाँ ठीक है आगम वाक्यों पर भी कोशिश करना चाहिए कि अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर आना चाहिए कुमारित भट्ट ने इस पर इसी पर जोड़ दिया था कि आगम वाक्य पर भी हमें विचार करते हुए उसके प्रत्यक्ष को सामने करना चाहिए या कम से कम अनुमान को जरूर ही सामने करना चाहिए थिक? तो यह सब बातें हमें समझने की आवश्यकता है तो जब भी मुझसे तर्क करें तो थोड़ी तर्क व्यवस्था को समझें कि कैसे तर्क व्यवस्था काम करती है तो चलिए तो यह है ये तीन चीजें आगम प्रत्यक्ष अनुमान और क्या है प्रत्यक्ष अनुमान और आगम वैसे प्रमाण व्यवस्था में मीमांसा शास्त्र ने छह प्रमाण लिए हैं न्याय शास्त्र ने पांच प्रमाण लिए हैं मीमांसा के अंदर प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान उपमान अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये छह प्रमाण मीमांसा शास्त्र ने लिए हैं ठीक है इसको एपेस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा बोलते हैं तो ये छह प्रमाण लिए हैं उसी प्रकार से आपके योग में और जो है न्याय में पांच लिया गया है अनुपलब्धि को नहीं लिया गया है अर्थापत्ति तक लिया गया है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम और अर्थापत्ति यहां तक लिया गया है न्याय दर्शन में न्याय शास्त्र में ठीक तो अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को बाद में लिया गया मीमांसा में क्यों मीमांसा ने अनुपलब्धि को क्यों लिया इसलिए लिया अनुपलब्धि को कि मीमांसा बिल्कुल प्रैक्टिकल फिलॉसफी थी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बात करने वाली कर्म सिद्धांत की बात करने वाली दर्शन थी इसलिए अनुपलब्धि को लेना पड़ेगा और जो अनुपलब्धि है बाद में कहते हैं कि आप कभी जो सीआईडी के लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं अनुपलब्धि को किसी को पकड़ना है तो अनुपलब्धि एक एक सिस्टम वहां पर बनता है नॉन प्रेजेंस अनुपलब्धि मतलब यह चीज इस समय यहां उपलब्ध नहीं है नॉन प्रेजेंस है भाई जिस समय क्राइम हुआ जिस व्यक्ति को हमने पकड़ा उसका प्रेजेंस प्रूव नहीं हो रहा है ठीक है उसका प्रेजेंस प्रूव नहीं हो रहा है वो अनुपलब्ध है तो इसका मतलब कि इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी रहा होगा कोई दूसरा रहा होगा जो इसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है तो अनुपलब्धि एक प्रूफ बन जाएगा फिर तो इसलिए मीमांसा ने अनुपलब्धि को ले लिया आप नहीं जानते ये जो पंच छे प्रमाण व्यवस्था है इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं बहुत सारे पजल्स को सॉल्व किया जाता है लाइफ पजल्स को सोशल पजल्स को सॉल्व किया जाता है ठीक है तो ये एपिस्टेमोलॉजी, फिलॉसफी का एक पार्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी तो वो उस हिसाब से चलता है कि भाई आप जो भी मेटाफिजिक्स देंगे उसका प्रमाण क्या होगा उसका ज्ञान कहां से होगा यह आपको बताना पड़ेगा आपने स्वयं कैसे जाना किस तरह से आपने जाना यह आपको एक्सप्लेन करना होगा ठीक है तो लेकिन यहां पर यह चर्चा नहीं है यहां पर एपेस्ट्रोमोलॉजी की चर्चा नहीं हो रही है योग सूत्र में योग सूत्र में वृत्तियों की चर्चा हो रही है उन वृत्तियों में से एक वृत्ति है प्रमाण वृत्ति और प्रमाण वृत्ति में तीन प्रकार के प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान और आगम अब दूसरी वृत्ति के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दूसरी वृत्ति क्या है भाई तो दूसरी वृत्ति जो है वह विप्रेय है दूसरी वृत्ति क्या है विप्रय है तो विप्रय के लिए वो क्या कहते हैं विप्रय मिथ्या ज्ञान में प्रतिष्ठम विप्रयो मिथ्या ज्ञान मेत प्रतिष्ठम ठीक अत ध्रुप प्रतिष्ठम विप्रय मिथ्या ज्ञानम जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है ऐसा मिथ्या ज्ञान विप्रय है किसी वस्तु को देख या सुनकर उस वस्तु से भिन्न किसी अन्य वस्तु को समझ लेना विप्रय वृत्ति होगी जैसे कि आपने रस्सी देखा और सांप समझ लिया मिथ्या ज्ञान जो मिथ्या परसेप्शन हो रहा है इल्यूजन हो रहा है इल्यूसिव जो है मिथ्या है उसे कहा जाता है विप्रेय अतः कोई वस्तु लाल है और हम उसे काली समझ रहे हैं अब मिथ्या ज्ञान कई परिस्थितियों में हो सकता है भ्रम के कारण हो जाए प्रकाश की कमी के कारण हो जाए अगर किसी जगह पर रोशनी कम है तो कोई वस्तु हमें सही रूप में दिखाई नहीं देती है रस्सी भी सांप दिखाई देने लग जाता है इसलिए संपूर्ण वस्तुएं प्रकाश स्वरूप हैं उसके बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर रोशनी ना हो तो कोई अस्तित्व उनका अगर ज्ञानेन्द्रिया ना हो उनका कोई अस्तित्व ना समझो ठीक है तो विप्रिय मतलब मिथ्या ज्ञान हो जाना किसी विषय में मिथ्या जानकारी प्राप्त हो जाना और कई बार अब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है मिथ्या ज्ञान होना भाई बहुत सारे मिथ्या ज्ञान है बहुत सारे मिथ्या ज्ञान है जिस जो मनुष्य अपने जीवन में उनको लागू करता है मिथ्या ज्ञान को लागू करने में लगा रहता है ठीक है वस्तु वैसी नहीं है लेकिन हम वैसा मान के चलते रहते हैं घूमते रहते हैं मान्यता के आधार पर तो ये विप्रय है विप्रय मतलब किसी वस्तु का मिथ्या ज्ञान और वो मिथ्या ज्ञान ही हमारे ऊपर वृत्ति रूप में हावी हो जाएगा वृत्ति रूप में हावी हो जाएगा और वो इतना बड़ा काम कर जाएगा इतना बड़ा काम कर जाएगा वृत्तियों की ताकत होती है जान लीजिए आप वृत्तियों में बहुत भयानक शक्ति होती है एक घटना में आप सुनाता हूं दिल्ली के अंदर एक घटना घटी एक फैक्ट्री के अंदर जो है कहीं पर आग लग गई जो है आग लग गई एक दुकान में आग लग गई और जो आग लगी उस दुकान के बगल में एक कपड़े की एक बहुत बड़ी शोरूम था कपड़े का मॉल जैसा था शोरूम था बहुत बड़ा था अब उस शोरूम के जो मालिक थे उनको फोन गया सेठ जी आपकी दुकान में आपके इस कपड़े के इस शोरूम में जो है आग लग गई है जैसे आप बड़े बड़े शोरूम देखते हैं ट्रेंड्स के हो गए ब्रांड फैक्ट्री के हो गए तो इस तरह से जो शोरूम्स होती हैं बहुत बडी बड़ी वैसे ही उनका एक शोरूम था तो वो जो है उनमें आग, उनको सूचना मिली किसी ने फोन करके बता दिया कि भाई आग लग गई है अब जैसे ही सुना उन्होंने आग लग गई है और बेचारे वो क्या करें इतना कर्ज़ा उर्जा लेकर इतने बड़ी दुकान शोरूम वगैरह खोला था और ये सब आग लग गई अभी तो पूरा खर्चा भी नहीं नहीं निकला लोन भी पूरा नहीं हुआ अभी तक और उसमें आग भी लग गई लेकिन आग लगी नहीं थी आग बगल वाले में लगी थी और किसी आदमी ने देखा कि भाई इस लगता है कि इन्हीं के मॉल में आग लग गई उन्होंने फट से फ़ोन घुमा दिया कि सेठ जी आपकी दुकान में आग लग गई अब सेठ जी के सेठ जी भाई अब सेठ जी को गलत नॉलेज मिला यही विप्रय है यही विप्रय है अब सेठ जी ने दूर उनका घर बड़ा दूर था वहां से अब वहां से वो चल पड़े अपने घर से चले गाड़ी ली अपनी फोर व्हीलर ली और वहां से चल पड़े और बड़ा परेशान हो गया बहुत कुछ सोचने लगे कि भाई कितना माल जल गया होगा कितना बचा होगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बहुत कुछ सोचने लगे और सोचते सोचते सेठ जी को हार्ट अटैक आ गया कार्डियक का अरेस्ट हो गया हार्ट अटैक आ गया अब हार्ट अटैक आ गया दुकान कैसे पहुंचे जैसे तैसे दुकान पहुंचा गया फिर उनके जो बेटे थे साथ में जो लोग थे वो हॉस्पिटल ले गए हॉस्पिटल ले गए हॉस्पिटल में इलाज चलना शुरू हुआ लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं अब मामला हाथ से निकल चुका है तो किसकी ताकत है ये बताइए वृत्तियों की ताकत है वृत्तियां बहुत बड़ी चीज़ होती हैं वृत्तियां निश्चित करती हैं कि हम कितने कब तक जीवित रहेंगे कितना जीवित रहेंगे कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे हमारा कर्म क्या होगा वृत्तियां हमारे कॉन्सेप्ट को बनाती हैं वृत्तियां हमें लाइफ के डायरेक्शंस देती हैं कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है तो आदमी बिगड़ा हुआ रास्ता अपना लेता है ठीक ना ये वृत्तियां निश्चित करती हैं तो विप्रय वृत्ति थी तो फाल्स वृत्ति ये कह देना कि विप्रय वृत्ति मतलब ये झूठी वृत्ति है जी हाँ यह झूठी है लेकिन काम तो करती है ना काम तो कर जाती है मृत्यु भी पैदा कर सकती है झूठी वृत्ति तो सेठ जी की मृत्यु हो गई विप्रय के कारण हो गई विप्रय के कारण उनकी दुकान में आग नहीं उनके बगल वाले दुकान में आग लगी थी लेकिन मृत्यु उनकी नुकसान उनका हो गया उनके परिवार में उन्होंने देह त्याग दिया उनको हार्ट अटैक आ गया क्योंकि बताने वाले ने बोल दिया कि भाई आपके दुकान में आग लग गई ठीक है फोटो भी खींच के भेज दिया क्या दिक्कत था अब दिखी तो अब सेठ जी का हालत खराब कि भाई आग जल रहा है इस तरह से मेरी दुकान दिख रही है लेकिन उनके दुकान में आग नहीं पहुंची थी बल्कि बगल वाले में थी तब तक फायर ब्रिगेड वाले आ गए आग बुझा दी उन्होंने तब तक बच गया बच गई उनकी दुकान लेकिन मौत तो हो गई तो यह विप्रय है यह विप्रय की ताकत है यह वृत्तियों की ताकत है वास्तव में हम जो कुछ है वो वृतियों के कारण है आप ये भी कह सकते हो तो यह वृत्तियों की ताकत है तो पंच वृत्तियां हैं तो पहले वृत्तियां जो प्रमाण पर आधारित है और दूसरी जो जस्ट अपोजिट प्रमाण के उल्टा विप्रय पर आधारित है मिथ्या है मिथ्या है झूठ है इल्यूजन है भ्रम है उसको कहा जा रहा है विप्रय विप्रय वृत्ति अब हम तीसरी वृत्ति वृत्तियां बड़ी खतरनाक होती हैं है इतनी खतर, खतरनाक होती हैं आज ये पूरा सेशन में आपको समझ में आएगा हो सकता है थोड़ा लंबा चल जाए क्योंकि तो पांचों वृत्तियों के बारे में बताएंगे तो अब ये दो वृत्तियां हो गई अब तीसरी वृत्ति बहुत खतरनाक है उसका नाम क्या है विकल्प वृत्ति महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं विकल्प वृत्ति प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृत ये सूत्र कहता है विकल्प क्या है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प वस्तु के ना रहते हुए शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न चित्त को विकल्प वृत्ति कहते हैं वस्तु के ना रहने से विकल्प बड़ी बड़ी चमत्कारी चीज है विकल्प ठीक है बहुत बड़ी ताकत है यह विकल्प वृत्ति क्या है बहुत बड़ी ताकत है अपने आप में वस्तु के ना रहने पर भी वस्तु नहीं है वस्तु नहीं है ना तो वह प्रमाण के रूप में है और ना ही वह विप्रय के रूप में दोनों ही रूप में नहीं है किस रूप में है शब्द रूप में है शब्द रूप में है और जैसे ही शब्द रूप में बताया गया तो विकल्प पैदा हो जाएगा विकल्प 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 साधनाएं होती हैं कई लोग विकल्प साधना करते हैं इसे विकल्प साधना करते हैं। क्या विकल्प साधना मैं आपसे कहूं कि बैठ जाओ ध्यान में ध्यान में बैठ जाओ बस ध्यान में बैठ जाओ सोचो कि आप समंदर के किनारे हैं बहुत विशाल समुद्र आपके सामने है समय संध्या काल का है पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है लहरों की गर्जना भी सुनाई दे रही है समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, लेकिन फिर भी समुद्र कितना शांत है समुद्र की क्षितिज तक देखो देखो समुद्र की क्षितिज तक समुद्र कितना विशाल और कितना शांत है तुम भी अपने मन को समुद्र के समान कर लो आपका मन शांत होने लगेगा कई लोग ऐसे मेडिटेशन करवाते हैं यह विकल्प साधना है समुद्र के सामने आप हो नहीं लेकिन आपने एक कल्पना शुरू शब्द सुना आपने शब्द सुनकर आपने एक इमेजिनेशन शुरू कर दिया शब्द सुनकर आपने एक कल्पना शुरू कर दी दिस इज द विकल्प वृत्ति दिस इज द विकल्प वृत्ति मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू कई लोगों के कई लोगों के जीवन में सपनों की रानी और सपनों का राजकुमार होता है वो उसके बारे में सोचते हैं क्या है विकल्प वृत्ति है विकल्प के अंदर ताकत है कि जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकती है उसकी एक छवि उसका एक आनंद आपको करा दे आपको करा दे और सबसे ज्यादा बांधने वाली वृत्ति भी विकल्प वृत्ति है जो बंधन देती है क्योंकि इसमें व्यक्ति कल्पना कर लेता है आपकी इमेजिनेशन वैसे ही एक बहुत बड़ी ताकत भी है इमेजिनेशन इज द वेरी बिग पावर ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट मनुष्य बुद्धि की मानव बुद्धि की बहुत बड़ी शक्ति है कल्पना शक्ति लेकिन उसका सदुपयोग हो पाए तब नहीं तो आदमी अपनी एनर्जी को ज्यादातर कल्पनाओं में व्यर्थ करता है कभी बहुत धन की कल्पना कर रहा है कि मेरी नौकरी लग जाएगी बहुत धन हो जाएगा फिर मैं अपने सपनों की रानी से शादी कर लूंगा वो देखने में ऐसी होगी व्यवहार में ऐसी होगी फिल्में लोग देखते हैं विकल्प पैदा कर लेते हैं और यह विकल्प ही तो बुद्धि खराब कर देता है जो नहीं है आपके पास उसके बारे में भी आप सोच लेते हैं और उसकी कल्पना कर मजे लेना शुरू कर देते हैं ठीक है मजे लेना शुरू कर देते हैं। तो ये कल्पना है ये आप विकल्प करते हैं लेकिन विकल्प भी सत्य तो नहीं है विकल्प भी सत्य तो नहीं है और कल्पना करकर आप उस अनुभूति को लेने की कोशिश करते हैं कि आप समंदर के किनारे खड़े हैं क्या है शब्द से विकल्प उत्पन्न हो रहा है वस्तु तो नहीं है लेकिन उसका विकल्प ऑप्शन आपकी कल्पना में उत्पन्न हो रहा है और कई बार जब वो निगेटिव फॉर्म लेता है तो मानसिक रोग बन जाता है मानसिक रोग तो कुछ दिनों पहले एक उत्तर प्रदेश पुलिस की एक पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर महिला सब इंस्पेक्टर मुझे मिली उनको एक विचित्र सी मानसिकता है कि जब भी वो गाड़ी में बैठती हैं फोर व्हीलर में बैठ जाए चाहे बस में बैठ जाए बस उनके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है कि एक्सीडेंट होने वाला है एक्सीडेंट होने वाला एक्सीडेंट होने वाला हाँ एक्सीडेंट होते हैं लेकिन फिर भी इतने एक्सीडेंट नहीं होते हैं गाड़ियां हजारों लाखों चलती हैं उनमें भी एक्सीडेंट शायद एक या दो का हो जाए दिन भर में कंपेयर करें अगर हजार गाड़ियों पर तो या लाख गाड़ियों पर तो ठीक है लेकिन उनके दिमाग में हमेशा जैसी गाड़ी में बैठेंगी वो कंट्रोल नहीं कर पाती वो बोलती कि मुझसे ये कंट्रोल नहीं होता कि मैं ना सोचूं मैं गाड़ी में बैठी और बस दिमाग में एक्सीडेंट ही घूमता रहता है और कई बार लगता है कि गाड़ी का नहीं तो गाड़ी ने किसी और को ठोक दिया एक्सीडेंट ही घूमता रहता है और फिर मुझे पसीने माथे पे पसीने आते रहते हैं शरीर में इस इतना ज्यादा यह थॉट मुझे आता है कि मेरे शरीर से पसीना निकलना मतलब रिएक्शन शुरू हो जाता है फिजिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है साइकोसोमैटिक डिजीज की तरह ठीक ना तो विकल्प यह क्या है यह विकल्प है यह विकल्प है ठीक तो इस तरह से ऐसी अनुभूतियां इस तरह की कल्पना कर लेना कोई विकल्प कर लेना एक बार संत कहते हैं कहीं मैं कोई चुटकुला पढ़ रहा था इस तरह से संता बनता चले गए फिल्म देखने के लिए तो संता ने बनता से कहा कि पूछा कि भाई तुझे फिल्म कैसी लगी तो उसने कहा कि मुझे फिल्म बड़ी अच्छी लगी लव स्टोरी थी मुझे बड़ी अच्छी लगी मेरी जब गर्लफ्रेंड होगी तो मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे गोद में उठा लूंगा जैसे हीरो ने उठाया था तो बंता बोलता है कि अगर उसका वजन अस्सी किलो हुआ तो कैसे उठाएगा तेरा वजन तो बहुत कम है अभी पचास किलो है तो बंता ने बोला कि मैंने वजन के बारे में तो सोचा ही नहीं था उसका वजन अस्सी किलो भी हो सकता है मैंने तो बस इतना ही सोचा कि उठाया था तो इसे कहते हैं विकल्प यह भी एक प्रकार का मिथ्या है विकल्प मनुष्य पैदा कर लेता है विकल्प पैदा कर लेता है जो चीज नहीं मिलती है उसका विकल्प पैदा कर लेगा इमेजिन कर लेगा उस चीज को और उस इमेजिनेशन में ही सेटिसफाई होने की कोशिश करेगा ठीक और विकल्प का साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ है ज्योतिष के अनुसार बताएं तो इस विकल्प का देवता राहु है ग्रह राहु है राहु विकल्प पैदा करता है बहुत तरह की इमेजिनेशन देता है ख्याली पुलाव पकाता है व्यक्ति इसमें यह विकल्प है खतरनाक है लेकिन अगर इसका सही प्रयोग हो जाए क्रिएटिव यूज हो जाए तो बहुत अच्छे भी काम हो सकते हैं अब यह विकल्प दुखदायी भी हो सकता है सुखदायी भी हो सकता है क्लिष्टा अक्लिष्टा दोनों हो सकता है ठीक है तो विकल्प वृत्ति अब तीसरी चौथी प्रकार की वृत्ति है निद्रा निद्रा अब जैसी वृत्ति होगी वैसा स्वरूप हो जाएगा जब प्रत्यक्ष की वृत्ति चलेगी तो प्रत्यक्ष का स्वरूप होगा विप्रय की वृत्ति चलेगी तो विप्रय का स्वरूप होगा विकल्प की वृत्ति चलेगी तो विकल्प का स्वरूप होगा विकल्प का स्वरूप होगा फिर आप अपने इमेजिनेशन में ही बनाते रहोगे बहुत सारी चीजें ठीक है और सपने दिखाने वाले वो जो होते हैं ना आपको क्या करते हैं आपके अंदर विकल्प पैदा कर देते हैं कौन नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा ये भैया ऐसा है ये प्रोडक्ट आप ले लो मेंबर बन जाओ और तीन मेंबर आप और बना दो आप तीन मेंबर और बना दो और तीन मेंबर आप बना दोगे आपको रॉयल्टी मिलेगी चेक आएगा आपके यहां पर और उन तीन मेंबर को बस आप मोटिवेट करो कि वो आगे तीन मेंबर बनाएं तो जब वो तीन मेंबर और तीन तीन मेंबर बनाएंगे तो आपके मेंबर कितने हो जाएंगे उनके तीन हो गए नौ और ये तीन हो गए बारह तो आपके बारह मेंबर हो गए बारह मेंबर के रॉयल्टी आपको मिलेगी आप उन तीन मेंबर से बोलो कि वो अपने मेंबर्स को मोटिवेट करें वो और मोटिवेट करेंगे तो फिर वो नौ जो मेंबर थे वो नौ मेंबर और तीन तीन मेंबर एकदम फिजन रिएक्शन की तरह बढ़ेगा वो और तीन तीन मेंबर बनाएंगे और फिर उसकी आपकी रॉयल्टी मिलेगी आप हो जाओगे यहां पर जैसे ही आपके इतने मेंबर हो जाएंगे आप बन जाओगे लखपति और जैसे ही आपके इतने मेंबर हो जाएंगे आप बन जाओगे करोड़पति आप सोचोगे आपकी यहां पर अब शब्द आप करोड़पति हो नहीं <स्थितिति> आप करोड़पति नहीं हो आप लखपति नहीं हो लेकिन एक विकल्प पैदा हो जाएगा शब्दों को सुनकर मैं करोड़पति बन गया वाह मैं लखपति बन जाऊंगा और सिर्फ मेंबर बनाने का काम करना है ना पढ़ाई करना ना लिखाई करना है ना परीक्षा देना है ना दुकान खोलनी है बस मेंबर बनाना है अरे मैं अब मेंबर बनाने का अनुभव तो था नहीं लेकिन लगा कि भाई ये बड़ा आसान काम होगा मेंबर तो मैं बना ही लूंगा और बड़ा आकर्षण मिल गया बड़ा आकर्षित हो गए आप मेंबर बनाना दुकान चलाने से भी कठिन काम हो जाता है इतना आसान तो होता नहीं अब भाई साहब लग गए पैसे लगा दिए कुछ अब मेहनत किए जा रहे हैं दो साल बर्बाद कर दिए उसी के पीछे ना ढंग के मेंबर बने कुछ पैसे आ गए तो लालच भी बढ़ गया और बाद में सब टाए टाए फुस भी हो गया तो बहुत तरह की परिस्थितियां तो विकल्प जिसको ठगना है वो आपके दि दिमाग में विकल्प पैदा करेगा शब्द जाल से विकल्प पैदा करेगा शब्द देगा और कहेगा कि हाँ ऐसा विकल्प हो जाएगा अब विकल्प में तो यह जो विकल्प वृत्ति है यह विकल्प वृत्ति है शब्दों के आधार पर वस्तु नहीं होती यहां पर शब्दों के आधार पर यह उत्पन्न हो जाती है विकल्प वृत्ति इसीलिए महर्षि पतंजलि ने यहां लिखा शब्द ज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्प शब्द ज्ञानानुपाति शून्य विकल्प वस्तु के ना रहने हुए ना रहते हुए शब्द ज्ञान मात्र से शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न जो चित्त वृत्ति है वह विकल्प वृत्ति है वस्तु के ना रहने मात्र से जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ताजमहल कैसा दिखता है ताजमहल कैसा दिखता है मैं आपको बताऊं कि नालंदा का खंडहर कैसा दिखता है बहुत विशाल है तो कैसा दिखता है मैं आपको बताऊं बस बता ही तो रहा हूं ना शब्द ही तो आपको दे रहा हूं और उस शब्द के आधार पर, पर आप कल्पना कर रहे हैं एक छवि है। यह बात बहुत छोटी सी लग रही है कि यही विकल्प है लेकिन यह बड़ा खतरनाक विकल्प होता है बहुत बड़े बड़े काम हमारे जीवन में कर जाता है यह जो विकल्प है ठीक तो चलिए तो विप्रय और विकल्प अब सेठ जी की मृत्यु हुई उसमें दोनों ने काम कर दिया विप्रय ने भी काम कर दिया विकल्प ने भी काम विप्रय किसे हुआ उस व्यक्ति को जिसने फोन किया उसने सही से देखा नहीं भ्रमित हो गया और लगा कि सेठ जी की दुकान में आग लगी है उस, उसके साथ विप्रय ने काम किया और विप्रय के वशीभूत उसने सेठ जी को फोन कर दिया आपके दुकान में आग लगी अब सेठ जी ने आंखों से देखा तो नहीं कि दुकान में आग लग गई वस्तु शून्यता है यहां पर लेकिन विकल्प कर लिया कि अरे दुकान में आग लग गई इतने इतने करोड़ का माल जल गया इतना रुपए मेरे बर्बाद हो गए सेठ जी ने कल्पना कर कर ली विकल्प 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 हो गया ये विकल्प काम कर गया काम पर वृत्ति के वशीभूत हो गए और वह व्यक्ति जिसने ये सूचना दिखा उनके दुकान में आग लगी है वह विप्रय के वशीभूत हो गया था मतलब मिथ्या ज्ञान के वशीभूत हो गया था तो इस तरह से वृत्तियां काम करती हैं अब जो है निद्रा प्रमाण नहीं है विप्रय नहीं है विकल्प भी नहीं है तो आप किस में जा सकते हैं आप निद्रा में जा सकते हैं। निद्रा भी एक वृत्ति है मन की अवस्था है और उस समय आपका स्वरूप भी निद्रा में हो जाएगा। उस समय आपका स्वरूप भी निद्रा में ही कहा जाएगा अब निद्रा में भी दो प्रकार की तरंगे चलती हैं तो महर्षि पतंजलि इस विषय में सूत्र में क्या कहते हैं सूत्रों को पढ़ना चाहिए क्योंकि वह आगम है अभाव अवलंबा अवलंबावृति निद्रा अभाव के ज्ञान का अवलंबन अभाव का ज्ञान होना कोई सेंस है क्योंकि इंद्रियां सो गई हैं तो वहां पर निद्रा निद्रावृत्ति आएगी और निद्रा निद्रावृत्ति में भी दो तरंगे चलती हैं सुषुप्ति तो और स्वप्न निद्रा में भी दो तरंगे चलती हैं सुषुप्ति तो और स्वप्न एक स्वप्न है जो कि सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिविटी है जहां पर हम पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है फिर भी हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और जिस समय हम स्वप्न में होते हैं वो हमारे लिए सत्य होता है असत्य नहीं होता वो स्वप्न बनता है नींद से उठने के बाद तो निद्रा में भी दो तरह की तरंगे हैं वेव्स कौन सी एक स्वप्न और एक सुषुप्ति सुषुप्ति में जहां स्वप्न नहीं रहेगा सुषुप्ति अवस्था जिसको कहते तो यह दो तरंगे निद्रा में भी चलायमान होती है तो वह भी एक वृत्ति है ऐसा नहीं कि निद्रा कोई कुछ लोग आ जाते हैं बताने के लिए कि नहीं सुषुप्ति तो शायद समाधि जैसी स्थिति होगी जी नहीं तामसिक अवस्था है तमस के कारण है सुषुप्ति निद्रा का कारण तम तमोगुण है हमारे अंदर विद्यमान तमोगुण ही निद्रा का कारण है तो निद्रा की वृत्ति चलती है अब हम उसके वशीभूत होते हैं ठीक है तो चार हो गए प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृत चौथी वृत्त पांचवी वृत्ति है स्मृत स्मृति स्मृति मतलब मेमोरी अब स्मृति के बारे में महर्षि पतंजलि ने क्या सूत्र दिया है उसको देखते हैं और उसको समझते हैं तो योग गुरु क्या कहते हैं अब स्मृति के विषय में क्या कहते हैं तो कहते हैं कि अनुभूत विषया असंप्रमोशह स्मृति अनुभूत विषया असंप्रमोशह स्मृति अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है जिस विषय को आपने अनुभव कर लिया है अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना प्रकट हो जाना क्या है स्मृति है कभी आपने आपके साथ कोई घटना घटी कहीं एक्सीडेंट आपने देख लिया अब जब भी गाड़ी में बैठते हो तो आपको एक्सीडेंट ही याद आता है फिर अनुभव कर रखा है आपने एक्सपीरियंस हो रखा है आपको और वो आपके चित्त पर उसका प्रभाव पड़ा हुआ स्टोर्ड है वो डाटा तो अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना प्रकट हो जाना यह स्मृति है दस साल पहले किसी आदमी से मिले थे आप दस मिनट के लिए उससे बात हुई थी दस साल बाद वो व्यक्ति फिर आपको मिला मिला तो आपका अनुभव था कि आप उसे पहले देख चुके थे चेहरा पर्सनालिटी देकर लगा कि ये तो भाई वही आदमी है जिससे मैं मिला था कैसे पता चला अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना नहीं छुपा और मेमोरी के थ्रू सामने आ गया मेमोरी के थ्रू सामने आ गया स्मृति के थ्रू सामने आ गया और वो वृत्ति चल अच्छा दस मिनट दस साल पहले ये मिला था और मुझसे ऐसी ऐसी बातें इसने की थी बहुत झूठ बोल रहा था ये बहुत बहकाया था इसने मुझे नहीं अगर अच्छा गाइड किया था तो बोलोगे अरे इसने बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी बहुत अच्छी सलाह मुझे दी थी इस व्यक्ति ने याद करोगे और प्रशंसा करोगे यह स्मृति मतलब मेमोरी स्टोर्ड इस यादें इसको हम बोलते हैं हमारी यादें तो फोर आवर्स चौबीस घंटे 24 फोर आवर्स आप इन वृत्तियों में रहते हो पांच वृत्तियां छठी वृत्ति नहीं होती सारी दुनिया आपकी इन पंच वृत्तियों में समाई हुई है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में भी तीन प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण वृत्ति प्रमाण में तीन प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान आगम आपकी सारी दुनिया इन पंच वृत्तियों में समाई हुई है चेक कर कर देख लेना क्या इन पंच वृत्तियों के बाहर कोई छठी वृत्ति आ पाती है जी नहीं देयर इज अ नो सिक्स टाइप ऑफ थॉट्स या फिर आपकी फीलिंग्स या भावनाएं छठे प्रकार की कोई वृत्ति नहीं होती और आप चेक कर लो 24 घंटे कोई ना कोई वृत्ति आप पर हावी होती है या तो प्रमाण वृत्ति हावी होती है कम हावी होती है ठीक ना या तो प्रमाण वृत्ति जो आप देख रहे हो समझ रहे हो अनुमानित कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो तो उसके थ्रू प्रमाण वृत्ति स्वरूप आपको वृत्ति चल रही है नहीं तो फॉल्स नॉलेज हो सकता है विप्रय नहीं तो इमेजिनरी कल्पना आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड और नहीं तो स्मृति आपकी पुरानी यादें कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं तो स्मृति वृत्ति आपके ऊपर हावी होती है जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं तो स्मृति वृत्ति आपके ऊपर हावी होती है और जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो विकल्प वृत्ति हावी हो जाती है जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो विकल्प वृत्ति हावी हो जाती है और जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं तो स्मृति वृत्ति हावी हो जाती है नहीं तो आप भ्रम में रहते हैं भ्रम में रहने का मतलब विपर्य मिथ्या ज्ञान नहीं तो प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष ज्ञान में रहते हैं वहां की वृत्ति चलती रहती है और अगर ये चारों नहीं चलती तो निद्रा चलती है अगर ये चारों नहीं चलती तो निद्रा रूपी वृत्ति चलती है दिस इज द ग्रेट साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ महर्षि पतंजलि मनोविज्ञान है इसलिए पाश्चात्य दार्शनिकों ने वेस्टर्न फिलोसफर ने योग सूत्र को एंशियंट साइकोलॉजी और ग्रेट एंशियंट साइकोलॉजी या इंडियन साइकोलॉजी के नाम से वो इसको पुकारते हैं मनोविज्ञान है आपकी जो मन है इन पंच वृत्तियों में रहते हैं 24 घंटे छठी वृत्ति नहीं होती कोई सारी वृत्तियां आपकी इन वृत्तियों में ही रहती है और ये पांच वृत्तियां महर्षि पतंजलि भगवान पतंजलि हमें यहां पर अब उन्हें क्या पतंजलि भगवान थे जी हां भगवान थे क्योंकि भग संपन्न थे जो भगो से संपन्न वो भगवान ही तो हुआ ना इसीलिए और ऐसी बात नहीं है जो योग के विद्यार्थी हैं जो योग के योग मार्ग पर चलने वाले हैं वो उनको भगवान ही मानते हैं जो ऐश्वर्य संपन्न है सिद्धि संपन्न है वो भगवान ही है तो भगवान पतंजलि ने यह पांच वृत्तियों का विज्ञान बताया और मन की अवस्था को स्पष्ट किया कि 24 घंटे में मन इन्हीं अवस्थाओं में रहता है इस ये पांच रूप वो पकड़ता है फाइव फॉर्म्स माइंड कैन टेक फाइव फॉर्म्स ये पांच स्वरूप उसके हो सकते हैं वृत्तियों के वशीभूत कौन कौन से पांच स्वरूप हो सकते हैं वृत्तियों के वशीभूत प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृत प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृति यह पंचवृत्ति सिद्धांत है और ये कोई सिद्धांत नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ है आप प्रैक्टिकल जीवन में चेक कर लीजिए कोई छठी वृत्ति निकले तो निकलेगी भी तो वो इंक्लूड हो जाएगी प्र, प्रमाण में इंक्लूड हो जाएगी कितनी गहराई से सोचा होगा कितनी गहराई से अनुसंधान किया होगा तब ये बात वो बताने में सक्षम हुए होंगे कि यह पंचवृत्तियां होती हैं और इन्हीं में हमारा चित्त घूमता है हमेशा इन पांचों में से किसी ना किसी अवस्था में आप रहते हो हमेशा आप इन पांचों में से किसी ना किसी अवस्था में रहते हो या फिर पांचों के मिश्रण पांचों का मिश्रण तो नहीं हो सकता लेकिन चार का मिश्रण तो हो सकता है प्रत्यक्ष विप्रय विकल्प और स्मृति इन चारों का मिश्रण हो सकता है ठीक है इन चारों का मिश्रण संभव है कहीं कहीं पर तो इनका थोड़ा मिश्रण की अवस्था बन सकती है नहीं तो इन वृत्तियों की अवस्था बनेगी या तो प्रत्यक्ष की वृत्ति में है या फिर विप्रय विप्रय विकल्प विकल्प की में में है तो ज्यादातर हम लोगों का समय ज्यादा बीत जाता है नहीं तो विक, विकल्प और स्मृति में बीतता है मतलब पुरानी यादें और फ्यूचर की चिंता यह विकल्प हो जाता है फ्यूचर का इमेजिनेशन और पीछे का जो अनुभव हो चुके हैं उनको बार बार याद करना या स्मृति वृत्ति हो जाती है तो दो वृत्तियां मिक्स भी कर जाती है। अगर ये सब नहीं चल रहा है तो निद्रा में रहोगे सो रहे होगे स्वप्न देख रहे होगे उसमें फिर या सुषुप्ति अवस्था में चले जाओगे फिर तो मात्र यह पंच वृत्तियों का ही सिद्धांत यहां पर हमें मिलता है तो यह हमें बहुत अद्भुत विज्ञान है योग शास्त्र यह सेल्फ स्टडी के लिए स्वाध्याय के लिए अपने आप को समझिए अभी पंच वृत्तियों के बारे में आपने सुन लिया ना शांति से बैठकर चिंतन कीजिए कौन सी वृत्ति ज्यादा हावी है मेरे ऊपर विकल्प वाली ज्यादा हावी होती है कि स्मृति वाली ज्यादा हावी होती है ठीक है थोड़ा विचार कीजिए कि कहीं मैं ज्यादा ओवर इमेजिनेशन में तो नहीं जाता हूं ओवर एक्सपेक्टेशन और विकल्प में तो नहीं जाता हूं या स्मृति में तो नहीं चला जाता हूं पुरानी यादों में तो ज्यादा नहीं खोया रहता हूं तो स्मृति वृत्ति आपके ऊपर हावी हो जाती है ये दोनों ही प्रकार के इनके दो दो भेद हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट यह दुखदायी अनुभूतियां भी करा सकती हैं सुखदायी अनुभूतियां भी करा सकती हैं जैसे कि बैठ जाओ कल्पना करो कि तुम समुद्र के तट पर खड़े हो विशाल शांत समुद्र तुम्हारे सामने है इमेजिनेशन कीजिए आनंद आना शुरू हो जाएगा वाह कितना अच्छा लग रहा है सोचने में आ कल्पना आ कितना कूल महसूस हो रहा है विकल्प वृत्ति और कई लोग ऐसे मेडिटेशन करवाते हैं लोगों को बड़ा मजा आता है लेकिन वो कोई राजयोग नहीं हुआ वो कोई नादा अनुसंधान नहीं हुआ ठीक है चलिए तो यह पंचवृत्तियों की पूरी कहानी थी और यह हमारी कहानी थी ये मनुष्य की कहानी है ये पंचवृत्तियां कोई दूसरी चीज नहीं है वो हमारी ही कहानी बयां करती हैं ये पंचवृत्तियां हमारे ही बारे में बताती हैं तो पतंजलि योग सूत्र सेल्फ नॉलेज को बढ़ाता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ओर हमें ले जाता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए आप तो यह समझने की जरूरत है तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का और फिर ध्यान योग का कोर्स अब 20 अक्टूबर से आगे शुरू होगा ठीक है चलिए विराम की ओर ले जाएं उससे पहले जिन्होंने उपस्थिति यहाँ दर्ज की है उनको एक बार जरूर देख लें प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि पहले ही विलंब हो चुका है घनश्याम सरोदे जी जगत नारायण जी जयंती भाई पटेल परजी कुंवर जी, जी नवजोत नाथ जी माधुरी कोल्हे जी शंकर प्रसाद अर्जन भाई चौहान राम लखन राजपूत अमन कक्कर चित्रंजन बरुआ विक्रम सिंह जी अबनि प्रधान जी शिवा रूपलाल विश्वकर्मा निशांत सर कमलेश खैरनर विष्णुचंद्र मौर्य समाधि युक्त योगी पर पंच तत्वों का प्रभाव होता है क्या वह प्रकृति के विकारों से मुक्त होता है बिल्कुल मुक्त होता है जी भावातीत अवस्था में होता है त्रिगुणातीत तो विकार कहाँ से आएंगे राम निवास मीना राजू पाल जी चंद्रेश्वर पांडे विनोद सूद कनाई कुमार ए के भट्ट जी अहंकार अहत एक तत्व है मद अर्थात अहंकार एक विकार है जी हाँ उस तत्व के आधार पे ही वो विकार उत्पन्न हो रहा है अहंकार वह तत्व है जो हमारे हमको अस्तित्ववान अस्तित्व देने वाला तत्व है हमारा अस्तित्व उस पर निर्भर है अहंकार हटने से ही मोक्ष होता है नहीं तो अहंकार होने से ही जीवन मरण लग एक वो अहंकार है जो मूल तत्व के रूप में है और एक दम्भ है मद है ठीक ना वो एक अहंकार है किसी को धन का मध किसी को रूप का मध तो वो ये इस तरह से दो अलग अलग चीज तो उषा श्रीवास्तव जी संतोष गुप्ता जी बीकू कुचारिया जी विनोद कुमार शर्मा रतन सिंह जी मिश्रा, हरीश डंगवाल आशा रानी रचना आर के जी संतोष देवी आई जे मल्होत्रा जी टुडे इज इंटरेस्टिंग एंड एफेक्टिव प्रेजेंटेशन वेल अप्रिशिएटेड ठीक है बहुत अभिनंदन है आपका मल्होत्रा जी राकेश मराठे रमेश यादव अपने स्वरूप में स्थित योगी को सिद्धियां मिलती हैं जी हाँ अशोक माली कृष्णा प्रसाद सविता नायक राजू पाल कृष्ण पुत्रा अनुमान ही नहीं होगा तो उसके बारे में जानकारी होना मुश्किल है जी काशीनाथ अपूर्व विश्वकर्मा आदि कुशवाहा नवज्योतिनाथ गणेश पवार काशीनाथ प्रणव साधना से कैसा अनुभव होता है शून्य का अनुभव परमानंद का अनुभव होता है मुकेश राठौर राहुल तिवारी बलवंत गोहिल ब्रह्मा जी क्या समाधि में प्राण बॉडी से बाहर होता है योगी पे निर्भर करता है बाहर भी हो सकता है प्राण शांत अरे समाधि क्या ध्यान में ही प्राणों की चंचलता खत्म हो जाती है निशांत सार एम एस चौहान अवधेश कुमार गंभीर शाह धन्यवाद भारत एम के पी डी पार्वती स्मिता सावंत चंद्रेश्वर पांडे विकल्प को कल्पना कह सकते हैं जी हाँ कल्पना ही है कल्प विकल्प तभी तो उसे कल्प विकल्प हम मानते हैं के त्यागी जी जलाराम रायका जी दीपेंदु घोष राकेश चंद्र शर्मा पांडूरांग वराले नरसाराम जी राहुल तिवारी योगेंद्र पंडित मदन सिंह किरण जिंदल रजनीत यादव रसीले देव गोपाला जी पुष्पा भाटी मनीष यादव जी बहुत अभिनंदन है ब्रह्मा जी पिंटू वासवा कनाई कुमार जी विवेक राघव मनीष यादव ठीक है वृत्तियों की निवृत्ति से कैसे हो वृत्तियों निवृत्ति को कल बताएंगे वृत्तियों की निवृत्ति कैसे होगी महेश देशमुख जी निशान सर समाधि युक्त योगी पर पंच पंच तत्व का प्रभाव होता है जी नहीं होता है क्या प्रणव साधना ही नाद साधना है जी बिल्कुल लेकिन ये बत, मेरे ये बिल्कुल कह देने से स्पष्ट नहीं होगा ठीक है ये ये बात भी मैं सही कह रहा हूं कि प्रणव साधना ही नाद साधना है। लेकिन यह कह देने से स्पष्ट नहीं होगा प्रणव साधना वो मार्ग है जिससे कि बड़ी सरलता से नाद ध्यान में लीन हुआ जा सकता है ठीक है यह स्पष्ट करने का प्रयास यहां चलिए ठीक है इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में जुड़े रहें बने रहें चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियोज आपको अच्छे लगे तो शेयर भी कर दीजिए